कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर बैंगलोर और देश की जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी एस से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे आपसे ये है कि व्हाट कॉजेज सोरायसिस? सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपके खुद की इम्यूनिटी में कोई चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सोरायसिस होता है। और बेसिकली सोरायसिस में जो स्किन सेल्स होती है वो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर पे ड्राई स्केली पैचेस दिखते हैं। और ये जो ऑटो इम्यूनिटी है इसके रीजंस जैसे जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल रीजंस भी होते हैं इसके लिए। ओके मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कैन सोरायसिस बी क्योर्ड? एक्चुअली सोरायसिस डजंट हैव अ क्योर, बट जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है वो जो सिम्टम्स पेशेंट सफर करते हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनसे एक रिलीफ हम ट्रीटमेंट से पा सकते हैं। मैम, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स फॉर सोरायसिस? ट्रिगर फैक्टर्स कॉमनली होते हैं जेनेटिक स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ट्रॉमा एंड सर्टेन मेडिकेशंस। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स सोरायसिस वर्स? सोरायसिस जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं सोरायसिस की कॉज के लिए। सो थिंग्स लाइक स्ट्रेस, कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड सीजन में सोरायसिस वर्स्ट होता है, ट्रॉमा से भी वर्स्ट होता है सोरायसिस, इवन ट्रिवियल ट्रॉमाज लाइक इंसेक्ट बाइट्स एंड स्क्रैचेस, वेट गेन से सोरायसिस वर्स्ट होता है, अल्कोहल, स्मोकिंग कैन वर्स सोरायसिस, एंड सर्टेन मेडिकेशंस लाइक वेरी कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स कैन ऑल्सो वर्सन सोरायसिस। वेयर सोरायसिस इज मोस्ट अफेक्टेड? सोरायसिस जो है कॉमनली देखा जाता है स्कैल्प पे, एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्स जैसे आपका एल्बो है, नी पे है, वहाँ पे बहुत कॉमनली देखा जाता है। और कॉमन एरिया एक और होती है जो बैक पे हम सोरायसिस देखते हैं। थैंक यू। कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोरायसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोरायसिस डे के अवसर पर अपने शहर बैंगलोर और देश की जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी एस से सोरायसिस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे आपसे ये है कि व्हाट कॉजेज सोरायसिस? सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी में कोई चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सोरायसिस होता है। और बेसिकली सोरायसिस में जो स्किन सेल्स होती है वो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर पे ड्राई स्केली पैचेस दिखते हैं। और ये जो ऑटो इम्यूनिटी है इसके रीजंस जैसे जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल रीजंस भी होते हैं इसके लिए। ओके मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कैन सोरायसिस बी क्योर्ड? एक्चुअली सोरायसिस डजंट हैव अ क्योर, बट जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है वो जो सिम्टम्स पेशेंट सफर करते हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनसे एक रिलीफ हम ट्रीटमेंट से पा सकते हैं। मैम, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ट्रिगर फैक्टर्स फॉर सोरायसिस? ट्रिगर फैक्टर्स कॉमनली होते हैं जेनेटिक स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ट्रॉमा एंड सर्टेन मेडिकेशंस। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स सोरायसिस वर्स? सोरायसिस जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं सोरायसिस की कॉज के लिए। सो थिंग्स लाइक स्ट्रेस, कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड सीजन में सोरायसिस वर्स्ट होता है, ट्रॉमा से भी वर्स्ट होता है सोरायसिस, इवन ट्रिवियल ट्रॉमाज लाइक इंसेक्ट बाइट्स एंड स्क्रैचेस, वेट गेन से सोरायसिस वर्स्ट होता है, अल्कोहल, स्मोकिंग कैन वर्स सोरायसिस, एंड सर्टेन मेडिकेशंस लाइक वेरी कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स कैन ऑल्सो वर्सन सोरायसिस। कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोरायसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोरायसिस डे के अवसर पर अपने शहर बैंगलोर और देश की जाने मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी एस से सोरायसिस के बारे में जानते हैं। एंड मैम, द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर सोरायसिस इज मोस्ट अफेक्टेड? सोरायसिस जो है कॉमनली देखा जाता है स्कैल्प पे,
एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्स, जैसे आपका एल्बो है, नी पे है, वहां पे बहुत कॉमनली देखा जाता है. और कॉमन एरिया एक और होती है जो बैक पे हम सोलासिस देखते हैं. थैंक यू.